यह हमारा खिलाने का तरीका आप लोगों के सामने है। देखो हम लोग ये हिसाब से ही खिलाते हैं और बिल्कुल रियल जो भी है एकदम रियल बताया हूँ आप लोगों को। अगर ये हिसाब से कभी भी आप लोग बनाएंगे बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त एकदम फर्स्ट क्लास ही बनेगा। यह हमारा असली तरीका। अब आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हमारा कितना सारा पानी रेडी हो गया है। ये मीठा पानी और ये हमारा दोनों खट्टा पानी और इमली का पानी, वो भी ऑल टोटल ये हमारा पूरा पानी बन के हो गया रेडी। चलो अब हम लगाएंगे गाढ़ा फटाफट। ये है हमारा कटोरा। कटोरे में क्या लेती है? अब गुच्चप नहीं, पानी पूरी। अब पानी पूरी ये हो गया हमारा रेडी। अब देखो ये गाढ़ा लगाने की तैयारी शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्पेशली मैं जैसा खुद बनाता हूं वैसा सेम आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा आप लोगों के साथ, जो मैं शेयर करने जा रहा हूं जो रेसिपी ना, पानी पूरी का पानी, गोलगप्पे का पानी, फुलकी का पानी, पुचके का पानी, आप लोग बहुत सारा नाम सुने होंगे उसका ही पानी बनाऊंगा। वो भी कम नहीं, कम से कम 30 से 40 लीटर। आप लोग अगर देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे पूरा ऑल टोटल मैं जैसा खुद बना के बेचता हूँ सेम वैसा ही। और ये आप लोग अगर देख लिए बहुत आसानी से और बहुत जबरदस्त आप लोग घर बैठे बनाकर और खा भी सकते हैं। और स्पेशली मेरे माताएं बहने जो भी आप लोग अगर देख रहे हैं पानी पूरी बनाना सीखना कि आप लोग पानी पूरी का पानी बनता कैसे, तो ये वीडियो देखेंगे बहुत बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए और बहुत ही सरल और बहुत आसान तरीके से बताया भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छुपा के कुछ नहीं, सेम जो भी मैं डालता हूँ आप लोगों के सामने बता के ही डाल। और हर चीज आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों के आसपास पड़ोस में किराने दुकान पे बहुत आसानी से सामान मिल जाएगा जो मैं सामान बताऊंगा। ज्यादा तामझाम कुछ भी नहीं, सिर्फ बस चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम लेंगे अपना ये हमारा फिल्टर पानी। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मतलब कौन सा पानी वापरते हैं, कौन सा पानी डालते हैं पानी पूरी के पानी में, तो ये हमारा देखो फिल्टर पानी। ऐसा हम डालेंगे 3 डब्बा इसमें। ये पहले आ गया हमारा 1 डब्बा और अभी 1 डब्बा और डालेंगे, उसके बाद 1 डब्बा मीठा पानी। ये देखो अभी 1 डब्बा, अभी 1 डब्बा और आएगा अभी। अब देखो ये हमारा 2रा डब्बा, ये इसमें अब उसमें ये हो गया। और इसके बाद देखो ये मीठा पानी, ये सिर्फ पूरा खट्टा पानी बनेगा ये टाकी का, और उसका जो है हमारा बनेगा ये मीठा पानी। और आप लोग अगर कमेंट में लिखेंगे कि मतलब एक और पानी मैं आप लोगों को बता दूंगा एकदम मीठा गाढ़ा पानी पूरा टोटल, अगर कमेंट में बताना ज़रूर कि मतलब अगर वो भी सीखना है तो बताना, मैं आप लोगों को बताऊँगा एकदम बहुत आसान तरीका जो भी मुझे मालूम है, जहाँ तक मैं बहुत ऑल टोटल बताऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट में लिखना कि मतलब हाँ मुझे बताओ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अब चलो मैं पानी बनाना शुरू करता हूँ, ऑल टोटल हमारा सामान आप लोगों के सामने है। चलो मैं पानी बनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं बनाता कैसा हूँ। अब देखो ये हो गया हमारा पूरी तैयारी। ये हमारा मीठा पानी, ये हमारा खट्टा पानी, ये पतला मीठा बनाऊंगा और एक पानी और मैं आप लोगों को दिखा दे इमली का गाढ़ा पानी। ये इधर देखो, ये ऐसा अगर ये मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा दूं, दिख नहीं रहा है, ये वाला ये गाढ़ा पानी। अगर ये वाला मैं पानी बताया हूँ आप लोगों को, अगर सोच रहे हैं कि मतलब बनता कैसा है कमेंट में बताना, मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। ये पानी भी आप लोगों को बताऊँगा बिल्कुल आसान तरीके से। चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ। अब ये सबसे पहले डाल लूँगा ये हमारा मीठा पानी, इसमें इमली, ये हमारा इमली हो गया। और उसके बाद ये मैं डालूँगा इसमें 3 किलो शक्कर। ये हमारा करीब करीब 10-12 लीटर पानी बनेगा, ये 3 किलो शक्कर। ये 3 किलो शक्कर डालने के बाद और इधर जब तक डाल लेंगे हम इसमें अपना ये हमारा सादा नमक, बिल्कुल एकदम फैले वाले जैसा अगर आप लोग सोच रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। अगर ये हिसाब से आप लोग बनाएंगे एकदम परफेक्ट एकदम ज़बरदस्त बन जाएगा आपका बहुत आसानी से। और उसके बाद इसमें जो डालूँगा मैं नींबू साद, ये हमारा नींबू साद,
और बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि हर चीज आप लोगों को पता चले और बहुत आसानी से आप लोग घर पर बना के खा ले। यह हो गया हमारा नींबू स्वाद। ये आपको किराने दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी आप लोग अगर पूछेंगे ना नींबू स्वाद क्या है और कैसा है, कोई भी बहुत आसानी से मिल जाएगा आप लोगों को, कोई टेंशन ही नहीं है कि मतलब नहीं मिलेगा। हर चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत आसानी से आपके गली मोहल्ले में मिल जाएगा। अब इसमें डाल दिए हैं नींबू साग, अब डालेंगे अपना इसमें हम काला नमक। ये हमारा है काला नमक, ये दिखाओ थोड़ा, ये काला नमक हमारा है और इसको हम पहले, ये हमारा पूरा एकदम बड़े बड़े पत्थर जैसे रहते हैं, हम पहले इसको भिगा के वो फोड़ के इसको हम पहले भिगा लेते हैं। अब भिगाने के बाद इसको हम इसको गला लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी छन्नी है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये हमारी छन्नी है। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि ये इसके अंदर मैं अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो देखो इसमें पता चलेगा आप लोगों को, ये देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर पत्थर हैं। ये इमली लग गई, इससे आप लोगों को नहीं पता चलाऊँगा चम्मच में, नहीं तो इसमें ऐसा लग रहा है कि पत्थर पत्थर हैं, इसलिए हम लोग इसको कभी भी अच्छे से छान के ही डालते हैं। अब देखो इसको हम अच्छे से गला लेंगे और पत्थर नीचे बैठ जाएगा, जो नमक हमारा वो गल के पानी में मिल जाएगा, उसके बाद हम छान लेंगे। अब उसके बाद देखो ये हमारा गलने के बाद, जब तक ये गल रहा है जब तक हम इसको डाल देंगे थोड़ा सा इसमें, ये देखो ये हिसाब से हम इसको छान लिए हैं छानने के बाद, और जो बचा इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के हम छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो बचा है ये भी हमारा गल जाएगा। अब आप लोगों के सामने है जो सामान डाला हूँ अभी तक, जो भी कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा मिला देंगे कि हमारा अच्छा मिक्स हो जाए, अब ये हिसाब से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद और इसमें कुछ और ताम झाम कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी पूरी वाले क्या डालते हैं कैसा डालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई मेरे यार मेरे दोस्त मेरे माताएं बहनें, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो हिसाब से बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि बहुत आसानी से बना लेंगे। देखो ये हमारा, ये जब तक हमारा शक्कर गल रहा है जब तक इसको हम छोड़ देते हैं, जब तक ये बना लेते हैं पूरा खट्टा पानी। अब ये डालने के बाद अब ये देखो ये हमारा हरा धनिया हरी मिर्ची और दूसरा इसमें थोड़ा सा अदरक है और कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा अदरक डाले हैं ताकि ये टेस्ट के लिए अच्छा रहे, और उसके बाद हम इसको डाल लेंगे इसके अंदर। ये देखो ये आ गया हमारा, अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, ये इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। देखो ये हिसाब से हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे फाइनली आखिरी में अपना ये पुदीने की चटनी। ये हमारा पुदीना है और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गरम मसाला। अगर आप लोग गरम मसाला बनाना अगर सोच रहे हैं इसका गरम मसाला बनता कैसा है पानी पूरी का, कमेंट में सिर्फ आप लोगों को कमेंट में लिख देना है, और कमेंट में आप लोग अगर जो भी पूछना है मैं आप लोगों को ऑल टोटल बता दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है। सिर्फ बताओ क्या सीखना है बस, ये हिसाब से देखो बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इतना सारा पानी कोई भी वीडियो बनाने के लिए तो नहीं बनाएंगे, पहले आप लोग इसी से समझ जाना। ये हमारा देखो ये हमारा 30 लीटर खट्टा पानी बना है और 12-13 लीटर मीठा पानी बन रहा है, तो वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं बनाएंगे, ये तो कन्फर्म है। अब ये हो गया हमारा देखो खट्टा पानी और ये हो गया मीठा पानी, अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला आखिरी में जब तक हमारा शक्कर गल रहा है, जब तक हम इसको पूरा एकदम रेडी कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम गरम मसाला, ये आ गया हमारा गरम मसाला,
ये देखो ये हमारा है गरम मसाला, अब इसको डाल देंगे इसमें अपने खट्टे पानी के अंदर। ये हो गया गरम मसाला हमारा, और ऊपर से थोड़ा सा और नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि हमारा रोज का हिसाब इसलिए हम लोगों को मालूम है कितना डालना कितना नहीं डालना, जबकि पहले एक पैकेट डाला था, अब थोड़ा सा और ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा और डालेंगे ताकि बाद में नमक या कुछ सामान डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। अब देखो ये हो गया थोड़ा सा और नमक, अब उसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल देंगे हल्का सा। अब देखो आप लोग ये हमारा पानी कैसे बन के हुआ है रेडी, आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम बिल्कुल शुद्ध एकदम नेचुरल पानी पूरी का पानी, बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं बनाना तो बहुत आसानी से ही बना लेंगे, ये असली तरीका है ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से देखो। ये हो गया हमारा पानी रेडी, अब ये हमारा एकदम ये मीठा पानी, ये भी हमारा शक्कर देखो देखते देखते ये भी गल गया अच्छे से। अब हम पूरा निकाल लेंगे दोनों गाढ़े के अलग अलग, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना सारा हमारा पानी बन के रेडी हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं देखो ये हमारा कितना सारा पानी रेडी हो गया है, ये मीठा पानी और ये हमारा दोनों खट्टा पानी और इमली का पानी, वो भी ऑल टोटल ये हमारा पूरा पानी बन के हो गया रेडी। चलो अब हम लगाएंगे गाढ़ा फटाफट। ये है हमारा कटोरा, कटोरे में क्या लेती है अब गुच्चिप नहीं पानी पूरी, अब पानी पूरी ये हो गया हमारा रेडी। अब देखो ये गाढ़ा लगाने की तैयारी शुरू हो गई, इधर एक गाढ़ा और दूसरा इधर एक गाढ़ा, अब ये हिसाब से हम पूरा सामान ला लेंगे उठा के फटाफट। ये हमारा पानी, ये हमारा मसाला देखो, ये ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाले हैं ताकि खाने में भी अच्छा लगे, और ये हमारा पानी पूरी। उसके बाद देखो इधर पूरी तैयारी कर लेंगे, अभी इसका भी हम पेटी उठा के रख लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फिर। अब देखो ये आ गया हमारा ये दूसरा पेटी, ये हमारा ये हमारी पेटी आ गई इधर। अब ये हिसाब से हम पूरा पहले उठा उठा के सामान रख लेंगे, और ये हमारा मीठा पानी पहले, और ये इधर से दूसरा खट्टा पानी, ये आ गया खट्टा पानी। ये अब आप लोग देखो ये हो गया हमारा गाढ़ा एकदम रेडी, और ये हमारी बहनी खाने के लिए भी हो गई रेडी, अब खा के ट्राई करेगी फिर बताएगी। इधर देखो ये हमारा इधर का अभी पानी कटा के रखना बाकी है, और इधर का ये पूरा हो गया है रेडी। अब हम चलो बेचेंगे और बेच के दिखाएंगे कैसा हम लोग बेचते हैं किस तरीके से। यह हमारा खिलाने का तरीका आप लोगों के सामने है, देखो हम लोग ये हिसाब से ही खिलाते हैं, और बिल्कुल रियल जो भी है एकदम रियल बताया हूँ आप लोगों को। अगर ये हिसाब से कभी भी आप लोग बनाएंगे बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त एकदम फर्स्ट क्लास ही बनेगा, ये हमारा असली तरीका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो जरूर करें, मेरा फेसबुक पेज है अभिषेक पानीपुरी रेसिपी वीडियो। नमस्कार।